वेल गाइज, आप लोगों का ही रिक्वेस्टेड टॉपिक लेके आया हूँ। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि एमटीपी किट ली है सर, ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हुई, कब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, हम लोगों को कितना टाइम वेट करना है, जब ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो देखने में कैसी होती है, कितनी क्लॉट पास आउट होते हैं, ब्लड के थक्के कैसे निकलेंगे, और ये जो ब्लीडिंग है ये कितने टाइम तक रहनी चाहिए, और अगर नहीं रहती है तो हम क्या करें, और अगर ज़्यादा टाइम तक रहती है तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हैवी ब्लीडिंग होती है तो हमें क्या करना चाहिए, और मोस्ट जो बारी बारी आप लोगों का कमेंट आता है कि सर फर्स्ट टैबलेट ले ली है, ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हुई तो क्या करें, तो इन सभी सवालों को हम लोग एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक गाइस टू पासी चैम चैलेंज, और बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, एमटीपी किट में 5 टैबलेट होती है। फर्स्ट टैबलेट होती है मिफेप्रिस्टोन की, जो कि 200 मिलीग्राम की होती है, और पेंडिंग 4 टैबलेट होती है मिजोप्रोस्टोल, और सिंगल टैबलेट होती है 200 माइक्रोग्राम की। 4 टैबलेट्स हो गई 800 माइक्रोग्राम की, ठीक है। तो जब भी आप मिफेप्रिस्टोन लेते हो, यूजली लोग बोलते हैं कि सर किट ले ली, पहली गोली ले ली है और ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हुई। तो गाइस देखिए, जो पहली गोली है वो अंदर जाके जो प्रेगनेंसी का नेचुरल हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, उसके लेवल को फॉल करती है, ना कि ब्लीडिंग को इंड्यूस करती है, ठीक है। फर्स्ट टैबलेट से ब्लीडिंग नहीं होती है, पीरियड स्टार्ट नहीं होते हैं। कई बारी लोग जो है अबॉर्शन ब्लीडिंग को पीरियड्स की ब्लीडिंग मान लेते हैं, लेकिन वो पीरियड्स की ब्लीडिंग नहीं होती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट टैबलेट है मिफेप्रिस्टोन, जो बड़ी वाली गोली है, उससे आपको ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती। बहुत रेयर चांसेस होते हैं, या फिर आपकी अगर कम दिनों की प्रेगनेंसी है, ऊपर से आपने कोई लोकल ब्रांड किट का यूज़ किया है, तो फिर आपको हो सकता है कि पहली गोली से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। लेकिन सामान्यतः यूजली अच्छी किट लेने से आपको सिर्फ स्पॉटिंग ही होती है, साथ ही आपको नोजिया हो सकता है, मतलब मितली आ सकती है, उल्टी जैसा मन हो सकता है, या उल्टी आ सकती है, या फिर आपको घबराहट हो सकती है, कमजोरी फील हो सकती है, सिर में दर्द हो सकता है, या फिर आपको हैवी हैवी सा महसूस हो सकता है। ये फर्स्ट पिल के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि 48 आवर्स का गैप रखने के बाद आपको पेंडिंग 4 टैबलेट्स लेनी होती हैं। तो जब आप पेंडिंग 4 टैबलेट्स लेते हो मिजोप्रोस्टोल की, तो जो मैंने आपको मेथड बताया, उस मेथड से लेने के बाद आपको लगभग 30 मिनट से 4 घंटे के बीच में आपको पहले तो हैवी क्रैम्पिंग स्टार्ट होती है, तेज़ दर्द होगा, और फिर दर्द होने के बाद आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। यूजली जो पहले 24 घंटे होते हैं मिजोप्रोस्टोल लेने के, पहले 24 घंटे में आपको हैवी क्लॉट पास होते हैं, हैवी ब्लीडिंग होती है, और जो पैड हैं वो एक घंटे में एक पैड तो यूज़ हो ही जाता है, कभी कभी 2 पैड भी यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके साथ में अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है कम दिनों की है, तो फिर आपको क्लॉट्स कम पास होंगे, हो सकता है कि जो आपका ब्लीडिंग का फ्लो है वो पीरियड्स जितना हो, और अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है नियरली अबाउट अगर 7 वीक्स की है, तो फिर आपको क्लॉट्स पास आउट हो सकते हैं, कुछ वाइटिश कलर का आपको फ्लैशी मास देखने को मिल सकता है, जिसको जेस्टेशनल सैक बोलते हैं। अगर आप लाइव इमेजेस देखना चाहते हैं, जो रियल इमेजेस हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जो है जी ड्राइव, वहाँ पर उसकी फ़ोटोज़ को डाउनलोड भी कर सकते हो, और वहाँ से इजीली देख भी सकते हो, ठीक है। फिर हैवी ब्लीडिंग अगर होती है, तो फिर एक बार फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाता है, या फिर बंद हो जाता है। ऐसी कंडीशन में भी जो लोग पहली बार एमटीपी किट को लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि भाई ब्लीडिंग बंद हो गई, अब क्या करें। तो आपको ऐसे टाइम पर घबराना नहीं है, ब्लीडिंग रिज्यूम हो जाती है, कुछ टाइम लगता है, 2 से 3 घंटे, 4 घंटे 6 घंटे, लेकिन ब्लीडिंग का फ्लो दोबारा से इंक्रीज हो जाता है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपने लोकल ब्रांड किट ली है, या फिर गलत तरीके से किट ली है, तो फिर ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होगी दोबारा, ठीक है। फिर जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है दोबारा से, तो ये ब्लीडिंग आपकी कम से कम 7 से 12 दिन तक रहनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम तो 7 दिन तो रहनी चाहिए अगर आपकी कम दिनों की प्रेगनेंसी है, ज़्यादा दिनों की प्रेगनेंसी है तो ये जो ब्लीडिंग है ये 12 दिन तक रह सकती है, ठीक है। अगर 12 दिन से ज़्यादा रहती है तो ये अनयूजुअल है, सामान्य नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, पहले तो जिन डॉक्टर की सुपरविज़न में आपने एमटीपी किट ली है, उनसे कंसल्ट करें कि भाई ये नॉर्मल है कि नहीं है। दूसरा, आपको फ्लो देखना है, अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो फिर आप सप्लीमेंट्स लो, खून की कमी को पूरी करने की दवाइयाँ लो, जूस लो, जिससे आपकी ब्लड डेफिशिएंसी पूरी हो सके।
भाई बहुत सारी केसेस देखी हैं, एमटीपी किट ले लेते हैं और फिर वो उन जो ब्लड एफिशिएंसी होती है उसके लिए कुछ मेडिसिन लेते ही नहीं है। भाई अगर आपके खून में कमी रहेगी, आपकी बॉडी में खून की कमी रहेगी, तो जो अगला पीरियड साइकिल है वो नहीं आएगा टाइम से, वीकनेस तो होगी होगी और भी कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकती है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और अगर आपको जो ब्लीडिंग है वो 12 दिन से ज़्यादा परसिस्ट कर रही है तो फिर आप 14th डे पर एक सोनोग्राफी करा सकते हो, उससे आप देख सकते हो कि जो जो कंसेप्शन प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो प्रेगनेंसी के प्रोडक्ट्स हैं, वो आपके बॉडी में हैं कि बाहर निकल गए और ये ब्लीडिंग क्यों हो रही है। यूजली जो मेरा मेथड है उस मेथड के अकॉर्डिंग जो भी आपका अबॉर्शन प्रोसेस है वो 7 से 12 दिन के आसपास का होता है और 12 दिन में जो ब्लीडिंग है वो बिल्कुल बंद हो जाती है। ठीक है, तो स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं या मेरी टीम आपके कमेंट का फास्टली रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, आपने मुझे यहाँ तक सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।